गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज, आपके अकाउंट का टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार के प्रवेश में हमने जो कल तक जो पढ़ा वो हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशंस थी। आज उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, नए लाभ हानि अनुपात के नए क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो वो कैसे सॉल्व होंगे उनको देखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। नए साझेदार का प्रवेश, और उसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, एनपीएसआर, नए लाभ हानि अनुपात की गणना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए लाभ हानि अनुपात की गणना। नए साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार के प्रवेश में हम एनपीएसआर पढ़ते हैं, नए लाभ हानि अनुपात की गणना कर रहे हैं। तो उसमें कल तक हमने तीन क्वेश्चन निकाल लिए हैं, आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निकालते हैं, वो देखो। तीन तक क्वेश्चन, कल तीन तक क्वेश्चन निकाल लिए ना? अच्छा नहीं, इसके अंदर हिंदी मीडियम चार तक निकाल दिए। फोर तक निकाल देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अरे वो क्लास बेटा जब बीच में मैडम ने मिला लिया था, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा। देखो क्वेश्चन नंबर आज हम निकालेंगे पांचवा क्वेश्चन। उसके लिए वैसे तो आप सबके पास होगी कॉपी, लेकिन फिर भी मैं कुछ पिक्स भेज देता हूँ, फिफ्थ से लेके क्वेश्चन भेजे हैं। देखो आप पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो। क्वेश्चन है, पी एंड क्यू एक फर्म में साझेदार है 2:1, यानी पी है और क्यू है साझेदार है 2:1 में। आर एडमिट होता है कितने हिस्से के लिए, 1/5 के लिए। आर एडमिट होता है कितने हिस्से के लिए, 1/5 के लिए। अपना यह हिस्सा वो ए और, अच्छा ए बी पी और क्यू है, आर आया कितने हिस्से के लिए, 1/5 के लिए। वह अपना हिस्सा किस अनुपात में लेगा, 1:2 में लेगा। किस अनुपात में लेगा, 1:2 में। तो नए लाभ हानि अनुपात की गणना करो, ऐसा क्वेश्चन। तो कौन सा मेथड हो गया, तीसरा मेथड हो गया, जिसमें एक स्पेशल अनुपात में ले रहा है 1:2 में। तो सबसे पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि आर का जो हिस्सा है कितने 5 है, वो किस अनुपात में ले रहा है, 1:2 में। तो पी कितना देने वाला है और क्यू कितना देने वाला है, तो 1/5 को इस अनुपात में देने वाले हैं पी क्यू। तो पी कितना देगा और क्यू कितना देगा, एक बटे पांच का कितना देना है, तो पी तो देगा 1/3 और क्यू देगा 2/3। अब P का कितना दिया इसने, जब गुणा हो ऊपर वाले से नीचे वाले, पीछे वाले से, 1/15 और Q देगा 2/15, P देगा और Q देगा, तो
वापस याद करते हैं, अब नया रेशियो कैसे निकलेगा? अब नया रेशियो निकलेगा पी का, पहले कितना था 2/3 और क्यू का कितना था 1/3। ये तो इनका पुराना अनुपात था। पी ने कितना दे दिया अपने में से 1/15 दे दिया। लघुत्तम 15 कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 × 10 − 1 = 9/15। 2/15 लघुत्तम कितना आएगा? 15। 5 − 2 = 3/15 और आध 1/5। अब 1/5 है, सबके नीचे कितने आ रहे हैं? 15 15। तो इसके नीचे 15 आ रहे हैं, किससे गुणा करना पड़ेगा आपको? 3 से। और मैंने बताया नीचे की संख्या बराबर करने के लिए जिससे भी गुणा करो उतनी राशि ऊपर ले लो, यानी 3/3 तो कितना आ जाएगा? 3/15। तो सबके नीचे 15 आ गए, ये नया अनुपात 9 3 3 3 1 1। नया अनुपात निकल गया। इस नए अनुपात को तो किसी को दिखा दो, एक बार अगर आप तीसरे मेथड तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। हो गया PQR बांटना है, माइनस किया नया अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी एक फर्म में साझेदार है 3:2। ए बी सी एक फर्म में साझेदार है, अनुपात क्या है? 3:2। 3:2 वे डी को फर्म में प्रवेश करते हैं 1/5 के लिए। वो डी को फर्म में प्रवेश देते हैं 1/5 बार के लिए। डी अपना ये हिस्सा ए बी सी से ही संपर्क में लेगा। दो अनुपात एक। कौन सी कंडीशन है? अभी जो निकाली वही है, उसमें ए बी था तो ए बी सी लिया स्पेशल में, इसमें ए बी सी है तो ए बी सी से ले रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए कितना देगा, बी कितना देगा, सी कितना देगा, निकालने के बाद उसमें से घटा देंगे नया अनुपात आ जाएगा। तो सबसे पहले ए देगा, फिर बी कितना देगा, सी कितना देगा। एक बटे पांच गुणा किस अनुपात में देने वाले हैं? 2:2:1 तो 2/5 2/5 1/5 इस अनुपात में देने वाले। 2/5 2/5 1/5 कितना हो गया? 2/25 2/25 1/25 ये अनुपात हो गए। ए कितना देगा? 2/25। बी कितना देगा? 2/25 और सी कितना देगा? 1/25। ठीक है, किसी को अपने को नया अनुपात निकालना है। तो अब स्टार्ट करते हैं नया अनुपात। ए पहले कितना था? 3/7 कितना दे दिया? 2/25 लघुत्तम कितना जाएगा?
तो ऐसी कोई संख्या जो 25 और 7 दोनों के पहले हो तो वो क्या है? 25 को 7 से गुणा करने से तो कितना हो जाएगा? एक सौ पिछहत्तर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं जो 4 बार 175 तो 25 75 माइनस 14 कितना आया? 61 बटे 175। ये तो पहले का गया 61 बटे 175। पी वन पहले था 2 बटे 7, इसने कितना दिया? 2 बटे 25। लघुत्तम कितना आएगा? 175। 25 बार गया 25 दुनी 50 माइनस 7 बार गया 7 दुनी 14 कितना आया? 36 बटे 175। सी बना 2 बटे 7 माइनस 1 बटे 25 लघुत्तम 175। 50 माइनस 7 43 175 और फिर डी बराबर सब के नीचे डी कितने से लिए 1/5 के नीचे बनाना कितना है? सब नीचे कितना है? 175 175 175 इसको 175 बनाना पड़ेगा। इससे गुणा करते हैं 175 बनाने के लिए, इसको गुणा कर देते हैं 33 से क्या या 35 35 35 35 तो 35 बटे 175 तो सब के नीचे 175 है, सब के नीचे 175 आ जाएगा। आपने लाइन मार दी है 61 36 43 35। एक सर 36 43 और 35 नया है। पूछो नए अनुपात में कोई दिक्कत? ये नया अनुपात है, क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया? यहां तक कोई दिक्कत? चले क्वेश्चन नंबर 7। दिक्कत आए तो बोल देना भाई, मैसेज टाइप कर देना, मैसेज टाइप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोलता है। ए बी वर पार्ट ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जिनका अनुपात है 3:2। ए और बी साझेदार है, अनुपात है 3:2। देखो पिक तो मैंने इंग्लिश में भेजी क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है हिंदी की, लेकिन मैं उसको पढ़ रहा हूँ आपके लिए हिंदी में, ठीक है ना? तो अगर आपके पास हिंदी की बुक है तो वही लिखा हुआ है, और इंग्लिश की बुक है तो उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ तो आप देख लेना। ए बी 3:2 में साझेदार है, वे सी को प्रवेश देते हैं कितने हिस्से के लिए? 3/7। सी अपना यह हिस्सा ए से लेता है, कितना बोल रखा है? 2/7। और बी से कितना लेगा? 1/7। कितना लेगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने निकाला था इतना लेगा, इसमें तो साफ साफ दे रखा है कितना लेगा, 2/7। कितना लेगा? 1/7। तो सीधा क्या करना है सर? सी 3/4 है, 3/4। हाँ बेटा सर, सी 3/4 है, 3/4 है सी। अरे बेटा वो 3/4 नहीं है, उसको कटिंग कर ले, प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 3/7 कर ले बेटा उसको।
अगर 3/4 है तो उसको कितना कर ले, 3/7। 3/7 का देख टुकड़ा होता है, 7 में से 3 टुकड़े, 2 ए से ले लेगा, 1 बी से ले लेगा, हो गया 3 टुकड़े। तो 3/4 नहीं है वो, 3/7 है, करेक्शन कर ले बेटा बुक में, 3/7 हो जाएगा। अब स्टार्ट हो जाते हैं, ए बराबर 3/5 माइनस कितना दे दिया, 2/7। लघुत्तम कितना आएगा, 35। 21 10 11/35। बी बराबर 2/5 माइनस 1/7 लघुत्तम 35। 14 माइनस 5 9/35। नेक्स्ट सी बराबर, सी कितने से लिए है, 3/7। सबके नीचे कितने आ रहे हैं, 35 35, तो 35 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, तो उत्तर भी 5 से, 15/35। नया नंबर बात आ गया 11 9 11 9 15 नया नंबर 7। और कुछ हो किसी को डाउट है तो 7 क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे, 7 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, ए बी सी एक खरब में 3:3:2 में साझेदार हैं, ए बी सी 3:3:2 में साझेदार है, वे डी को 4/7 भाग के लिए प्रवेश करते हैं, डी अपना यह हिस्सा ए से 2/7, बी से 1/7, सी से 1/7। अभी जो क्वेश्चन किया था सर सही नेट पाती है ना, कर दोगे क्या, आ जाओ बोलते, चलो 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 मैं हूं ना सर, अरे मैं हूं बोर्ड पे, चलो आ जाओ बेटे, डरो मत, शाबाश करो, देखो टॉप लो करो, देखो साफ साफ बोला है ए से कितना लेगा, बी से कितना लेगा, सी से कितना लेगा, ए से कितना लेगा 2/7, बी से 1/7 और सी से 1/7, क्लियर है। तो सबसे पहले देखो ए बराबर, ए का पहले हिस्सा कितना था देखो, 3 3 6 और 2 8, 3/8 इनको लिखना था, जैसे 3 और बाद इनको प्लस कर दूंगा है ना, 3/8 माइनस उसमें से कितना दे देगा, 2/7 बराबर आगे इसका लघुत्तम निकालो, अब इसका लघुत्तम कितना आएगा देखो, 8 और 7 का लघुत्तम आता है 56, दोनों में पार्ट में आ जाएगा, 8 के पार्ट में 7 पर, 7 के पार्ट में 8 पर, तो 56। अब नीचे से तो लगेगा भाग और ऊपर से क्या होगा, गुणा, 8 के बारे में 56 कितनी बार किया, 7 बार, 7 को 3 से किया तो 21 माइनस ये कितनी बार किया, 8 बार, 8 को 2 से किया तो 16 बराबर कितना बच गया, 5/56 ऐसे आया समझ में, लिखो बी बराबर, मैं करूं या आप करोगे, ओके थैंक यू, बहुत अच्छे। अब देखो b बराबर 3/8 कितना है, 3/8 माइनस कितना दे देगा, 1/7 कितना दे रहे थे, 7, लघुत्तम कितना आएगा, 56, 21 माइनस 8 13/56। c बराबर
दो बटे आठ माइनस एक बटे सात लघुत्तम कितना आएगा? 56। 14 माइनस आठ कितना आएगा? 6/56। बी बराबर सबके नीचे देखो 56 आ गया, 56 56 और 56, तो डी के नीचे भी 56 होना चाहिए, जो डी का ही सही है। 4/7 56 करने के लिए किससे गुणा कर दो? 8 से, तो नीचे भी 8 और ऊपर भी 8, तो 32/56, 32/56, तो नया अनुपात क्या आ जाएगा? 5:13:6:32। क्या किसी से छोटा होता है? क्या किसी से छोटा नहीं होता? तो ये इनका क्या हो जाएगा? अनुपात। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर क्या निकालेंगे? 9। मैंने सिद्धि को बोला तो है, पलक क्या नाम आपका? पलक वो ऑनलाइन है, सिद्धि सिद्धि मैंने बोला नहीं, तो भेज रहा हूँ। उनके पास है क्या आपके नंबर? आज दूर से नंबर पूछना है ना, तो सिद्धि आप वो नोट्स है ना आपके पास, एक बार मुझे मैसेज कर दे रहा कि आपके पास सारे नोट्स एकदम सही तरीके से लिखे हुए हैं, तो वो क्या उनकी पिक भेज देना, मैं डिपल को भेज, ठीक है ना? तो याद है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि राधा और रुक्मणी, एक तो राधा है और एक है रुक्मणी, रुक्मणी किस अनुपात में साझेदार है? 3:2। नया साझेदार प्रवेश होता है गोपी, कितने हिस्से के लिए? नहीं पता, लेकिन राधा अपने हिस्से का कितना देती है उसको? 1/3। राधा अपने हिस्से का कितना देगी? 1/3 अपने हिस्से का, याद रखना। और रुक्मणी रुक्मणी कितना दे रही अपने हिस्से का? 1/4। ये कौन सी विधि याद आता है? समर्पण मूल्य, समर्पित, सरेंडर करना, कौन कितना सरेंडर कर रहा है, कौन कितना समर्पित कर रहा है। तो राधा अपने हिस्से का कितना दे रही है? 1/3। राधा का हिस्सा कितना है? 3/5, 3/5। तो राधा क्या देगी? राधा देगी 3/5, उसका हिस्सा है उसका 1/3, यानी कितना देगी? 3/15। रुक्मणी हिस्सा है 2/5 और देगी कितना? 1/4, यानी 2/20 रुक्मणी देगी। पता चल गया कौन कितना देने वाला है? सिलेंडर पता चल गया। अनुपात निकाल दो, राधा 3/5 माइनस 3/15 दे दिया, लघुत्तम 15, 9 - 3 6/15। रुक्मणी 2/5 माइनस 2/20 लघुत्तम 20, 8 - 2 6/30।
फिर कौन है? गोपी। अब गोपी का हिस्सा नहीं है, गोपी का ये पता है किसने कितना लिया, 3/15 एक से लिया, 2/20 एक से लिया, लघुत्तम कितना जाएगा 7, 12 + 6 = 18/7 कितना जाएगा 18/7। अब देखो सबके नीचे अलग अलग संख्या है, सबके नीचे क्या है अलग अलग, सबसे बड़ी संख्या इसके नीचे 7, क्या 60 बन सकता है? क्या बन सकता है? किससे गुणा करने से? 86, तो 24/7 60 बन सकता है क्या? किससे? 3 से, 3/3 18/7। मैंने कहा किसी को भी बदलना हो, अगर बदलना है, जरूरत है तो बदल दो, बस ऊपर नीचे से क्या बराबर हो जाए, 4/4 लिया, 3/3 लिया, ऐसे नया बात आ गया 24/18/18 कठिन होता है क्या? बिल्कुल। 4/3/3 6 से कट हो गए तो नया बात हो गया 4/3/3 6/6/24 6/3/18 नया बात तैयार। प्रश्न नंबर और आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10, वो करना। क्वेश्चन नंबर 10 करवाना मेरी सुनिए। ठीक है, आज की क्लास यही करते हैं, करते हैं और आज की